गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस नाउ जैसे कि हम नाम देखते हैं चैप्टर का सेपरेशन सेपरेशन का क्या मतलब होता है अलग करना तो हम अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग चीजें अलग अलग टाइप के मटेरियल्स कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी दैट नाउ इफ वी सी अराउंड आर हमने देखा था कि पहले वाले चैप्टर में भी अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं सॉलिड्स होते हैं लिक्विड्स होते हैं या फिर गैसेस होते हैं और वो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम अलग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टी दिस इज सब्सटेंस इसमें क्या क्या मिक्सड होता है कॉफी में सॉल्ट uh, या फिर शुगर अगर हम पानी में मिक्स करते हैं या फॉर uh, एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे ड्राई फ्रूट्स दू एंड इसमें से बोलूं कि काजू और बादाम अलग करना है क्या आप अलग कर सकते हो कि नहीं यहाँ पे दिस इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड बटर और मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया नाउ इफ आई टेल यू इसको अलग करके दिखाओ तो आप कैसे अलग कर सकते हो क्या आप अलग कर भी सकते हो कि नहीं सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स जो आप अपने आसपास देखते होंगे इसके अलावा भी हम देखेंगे नाउ सब्सटेंस क्या हो सकती है प्योर सब्सटेंस हो सकती है या फिर मिक्सचर हो सकता है प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल एक शुगर क्यूब आपने देखा होगा चीनी ऐसे फॉर्म में भी मिलती है जो हम चाय में एक डाल सकते हैं तो अगर कोई सब्सटेंस को एक ही सब्सटेंस से बना हो उसको बोलते हैं प्योर फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर uh, क्यूब को लेते हैं और उसको तोड़ते हैं ऐसे क्रश करते हैं समथिंग लाइक दिस कम्स आउट और अगर हम और भी पाउडर करते हैं तो इट इज अ फाइन पाउडर विच लुक्स लाइक दिस बट इसके सारे कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स एक ही तरीके के हैं मतलब दे आर ओनली ऑफ वन काइंड तो इसको बोलते हैं एक प्योर सब्सटेंस इसके अलावा प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है डिस्टिल वाटर एंड सॉल्ट डिस्टिल वाटर क्या होता है ये मैं आपको आ, आगे चैप्टर में बताऊंगी सॉल्ट मतलब नमक जैसे हमने चीनी का एग्जाम्पल दिया वैसे ही सॉल्ट के लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं इट इज अ प्योर सब्सटेंस मिक्सचर क्या होता है जैसे हमने प्योर में देखा कि पार्टिकल्स एक ही तरह के होते हैं मिक्सर में अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम नींबू पानी ले रहे हैं तो नींबू पानी में हमने नींबू पानी बनाया वी टुक सम कोल्ड वाटर नींबू का रस हमने चीनी दी आइस ली और फिर मिंट भी ली मतलब पुदीना तो इनके ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हो गए और हमने इससे एक मिक्सचर यहाँ पे बनाया जो कि नींबू पानी है सो दिस इज अ मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर जहां हम मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिक्स करते हैं उसको मिक्सचर बोलते हैं इसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं फॉर एग्जांपल इन इन पार्टिकल्स में से हम शुगर की बात करें तो इट इज प्योर एंड कोल्ड वाटर की बात करें तो इसके अलावा मिक्सचर के अलग अलग एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट uh, है एयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस जैसे हमारे जो हवा होती है एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है नाइट्रोजन गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर वेपर्स होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं तो ये मिक्सचर क्यों हुआ क्योंकि इसमें ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस मिक्सड इन लिक्विड्स तो यहाँ पे वॉटर एंड शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग अलग पार्टिकल्स मिक्सड हैं इतना तो हमें पता ही है इसके अलावा भी और भी चीजों के भी पार्टिकल्स इसमें मिक्स किए जाते हैं नाउ फेस क्रीम जो हम फेस में क्रीम लगाते हैं दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ उसमें तेल होता है कोई टाइप का उसमें पानी होता है और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स दैट आर फाउंड इन वन क्रीम विच इज अ मिक्सचर अदर देन दैट अगर हम एक और एग्जाम्पल लें दैट इज सॉइल सॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी सब्सटेंसेज लाइक एयर वाटर पेबल्स हवा पानी पत्थर डेड uh, एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स मरे हुए ये सबसे सॉइल मिलती है तो फिर दीज वर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जो कि मिक्सचर्स हैं ना अब हम बहुत बारी ये वर्ड सुनते हैं कॉम्पोनेंट्स वॉट आर कॉम्पोनेन्ट्स एग्जैक्टली जो हम मिक्सचर में अलग अलग सब्सटेंसेस देखते हैं उनको बोलते हैं कॉम्पोनेंट फॉर एग्जाम्पल हमने नींबू पानी यानी कि लेमनेट देखा उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या हैं यहाँ इफ यू सी इन द पिक्चर दीज आर दर कॉम्पोनेंट्स लाइक कोल्ड वाटर रिफाइंड शुगर लेमन लेमन जूस और मिंट ये इसके कॉम्पोनेट्स हो गए इस मिक्सचर के नाउ एज आई टोल्ड यू मिक्सचर्स कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस यहाँ पे सॉलिड ये है लिक्विड ये है और दिस इज गैस दे कैन बी अम्बिनेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन मतलब की लाइक आई टोल्ड यू ओवर हियर यहाँ पे अलग अलग चीजों का यहाँ पे एयर भी है हमने देखा वॉटर भी है सिमिलरली यहाँ पे भी ओवरियर देर इज लिक्विड एंड देन gases इज गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड सो इट कैन बी Now बॉइलिंग point क्या होता है एक ऐसा temperature तापमान जिसमें कि एक लिक्विड चेंज हो जाता है टू इट्स वेपर फॉर्म मतलब गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड मेल्टिंग point क्या होता है ये एक ऐसा टेम्परेचर ऐसा तापमान होता है जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है फॉर एग्जाम्पल सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं एंड गैशेज इसको उबाल के ऊपर भाप बनती है मतलब वेपर बन रहा है सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स फॉर प्योर वाटर द बॉयलिंग प्वाइंट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज जीरो डिग्री सेल्सियस जो प्योर वाटर होता है जो हम पानी पीते हैं दैट इज नॉट प्योर वाटर उसमें बहुत सारी चीजें मिनरल्स होते हैं सॉल्ट होते हैं बट uh, जो प्योर वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका बॉयलिंग प्वाइंट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये um, हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में बॉइल होने लग जाता है इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इन टू वेपर फॉर्म एंड मेल्ट होने लग जाता है जीरो डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर हमने देखा था अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग फॉर्म्स के कुछ लिक्विड्स में होते हैं कुछ सॉलिड्स में होते हैं बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉम्पोनेंट्स में भी प्रेजेंट इन एनी रेशियो जरूरी नहीं है कि एक चम्मच पानी है तो एक ही चम्मच सॉल्ट होगा नो no, उसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है जरूरत के हिसाब से हम उसे चेंज करते हैं नॉ नेक्स्ट इज ऑल कॉम्पोनेट्स ऑफ अ मिक्सर रिटेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज जितने भी कॉम्पोनेंट हैं जैसे की लेमनेड में हमने नींबू यूज किया पानी यूज किया तो जो नींबू और पानी की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो आपस में मिक्स होने के बाद भी वैसी ही शो करेगा सब्स्टेंसेज ऑफ अ मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो अलग अलग सब्सटेंसेज हम आपस में मिक्स करते हैं एक मिक्सचर बनाने के लिए वो अलग अलग हम वापस कर सकते हैं आ, लेकिन उसके लिए कुछ तरीके यूज होते हैं सेपरेशन के लिए अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं जिससे कि वो सेपरेट किया जाए मिक्सचर्स डू नॉट है फिक्सड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट मिक्सचर जो होते है उसका जैसे यहाँ पानी का फिक्सड प्योर uh, वाटर का हमने फिक्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देखा इन द केस ऑफ मिक्सचर इट इज नॉट फिक्स्ड क्योंकि ये हमेशा सेम अमाउंट नहीं मिक्स होता है आपस में ये मिक्सचर्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर्स एक फ्रूट सैलड है यहाँ ड्राई फ्रूट्स है दिस इज अ चोको चिप कुकी या फिर सॉल्ट एंड शुगर एंड लेमनेट या फिर अगर हम uh, कोई टी बनाते हैं चाय बनाते हैं या फिर मिट्टी और पानी का अगर मिक्सचर है तो ये अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम कैटेगराइज करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बेस्ड ऑन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं ना होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं अ मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा मिक्सचर जिसमें कि जो भी कॉम्पोनेंट हैं वो इवनली बांट दिए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर जो उसका एक सिप आप लेते हो तो आपको टेस्ट जो फर्स्ट सिप में लगेगा अगर अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया है हमने तो लास्ट सिप का भी टेस्ट सेम होगा जो मिक्सर है वो पूरा ग्लास में ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा नमक लग रहा है कहीं कम नमक लग रहा है सेम ही दिखता है इस मिक्सचर में सॉल्ट और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मतलब कि पूरे में आ, बराबरी से वो मिला हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम चीनी या पानी को मिलाएं या फिर हम चाय बनाते हैं या अगर जूस है या फिर एयर है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं ऐसा नहीं है कि एक सिप लोगे तो ज्यादा मीठी लगेगी चाय और दूसरी सिप में उसकी मिठास कम हो जाएगी नो बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और इसके कॉम्पोनेंट्स बराबरी से बटे हैं नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं जैसे कि होमोजीनियस में देखा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही होमोजीनियस uh, में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हेट्रोजीनियस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जैसे कि हम uh, मिट्टी का अगर एग्जाम्पल लें जो उसके भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं जैसे कि uh, हम पहले भी आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो मिट्टी में नीचे दबे होते हैं बिकॉज उनका वजन ज्यादा तो हो होता है तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं मोर सॉइल पार्टिकल्स एट सम प्लेसेस एंड लेस एट समी अदर कहीं ज्यादा होता है पार्टिकल्स कहीं कम होता है तो ये अन ईवन मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स नहीं है इसके और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रूट सैलड बनाया तो एक बाइट हमने खाई और एक uh, फॉर एग्जाम्पल सी दिस पिक्चर एक बाइट हमने खाई तो उसमें स्ट्रॉबेरी ज्यादा आई नेक्स्ट बाइट में वाटरमेलन अगली बाइट हमने अगर खाई तो उसमें मैंगो ज्यादा आए तो दिस इज अन ईवन हमें हर बार ही टेस्ट अलग आ रहा है विच मींस इट इज अ अट्रोजीनियस मिक्सचर इसके अलावा जब हम तेल और पानी को भी मिक्स करते हैं उसके अलग अलग या तो वो थोड़ी देर उसको रेस्ट करें तो ऊपर तैरने लग जाता है लेकिन अगर हम उसे मिक्स करने की कोशिश करते हैं पानी के अंदर में तो कहीं उसके बड़ा सा ऐसे गोला बनता है कहीं छोटे छोटे होते हैं सिमिलरली चौको बिस्किट जैसे कि ये यह, यहाँ पे इस इस तरह इधर से अगर मैं बाइट खाऊंगी तो पांच चौको चौकचे पाएंगे लेकिन इधर से खाऊंगी तो एक ही आएगा सो एवरी बाइट इज डिफरेंट विच मीन्स इट इज अट्रोजीनियस मिक्सचर सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हम सेपरेशन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे तो uh, कैसे करते हैं तो वी विल सी बट नाउ लेट इस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सेपरेशन की हमें जरूरत है ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस तो हम इसके वन टू एंड थ्री पॉइंट्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट रीजन हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती होगी ये हमने कई बार घर में भी देखा होगा जैसे आप दाल लेके आते हो उसमें पत्थर होते हैं अगर वैसे ही बनाओगे तो पत्थर खाते हुए मुंह में आता है सो व्हाट डू वी डू हम उसे हाथ से ऐसे साफ कर लेते हैं पानी से वॉश करते हैं तो उसके जो अन मतलब हमें पत्थर नहीं चाहिए और वो हमारे लिए हार्मफुल है नुकसान कर सकता है हमारा तो आ, वो हम सेपरेट कर देते हैं सो फर्स्ट रीजन इज टू रिमूव इम्प्योरिटीज मतलब गंदगी या फिर हार्मफुल कंपोनेंट्स मतलब कि जो हमारा नुकसान कर सकते हैं उनको uh, हटाने के लिए हम यूज uh, करते हैं सेकेंड no. uh, जो हम सेपरेट करते हैं दैट इज टू गेट यूजफुल यहाँ पे हमें जो नहीं चाहिए था वो हमने हटा दिया जो सेकेंड चीज होती है ये आप uh, घर में नहीं uh, देखते हो गए ज्यादातर लार्ज स्केल में इन फैक्ट्रीज होता है टू ऑपटेन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स जैसे आप uh, देखते हो रिफाइंड कोई भी चीज जो रिफाइंड होती है उसका मतलब है कि उसको और हमने अच्छे से uh, उसकी इम्प्योरिटीज रिमूव करके उसका जो यूजफुल चीज है वो हमने uh, हमें ऑप्टेन किया है मतलब हमें मिला है फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल एक चीज होती है तो क्रूड ऑयल हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते तो उसको रिफाइन किया जाता है और उससे पेट्रोल कैरोसिन डीजल या फिर वैसलिन मिलता है फ्रॉम वॉट क्रूड ऑयल अगेन एक चीज होती है सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है फॉर गेटिंग प्योर कॉम्पोनेन्ट्स जैसे कि जो मेटल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ये कहां से आते हैं ये अर्थ के अंदर से डिग आउट करते हैं बहुत नीचे एंड दे आर नॉट इन द फॉर्म जैसे आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट्स या ज्वेलरी वैसे थोड़ी होता है जमीन के अंदर इट लुक्स समथिंग लाइक दिस कॉपर एंड गोल्ड तो इसमें बीच में पत्थर होते हैं मिट्टी होती है रॉक्स होते हैं अन चीजें वो सेपरेट की जाती हैं सो दैट प्योर कंपोनेंट्स मिल पाए और उसका हम यूज कर पाए चाहे ज्वेलरी बनाने के लिए या कॉपर वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है तो ये जो अनरिफाइंड जो जमीन के अंदर हमें मिलता है वॉट आर दीज फॉर्म्स ऑफ मेटल्स कॉल्ड एज ओर्स